एटा में पुलिस की यातना से हुई एक शख्स की मौत के बाद उसका शव एटा में उसके गांव में लाया गया। शव लाने के बाद गुस्साए लोगों ने आगरा बरेली हाईवे जाम कर दिया था और पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। लोगों ने यहां तक कह दिया कि शव का अंतिम संस्कार तक नहीं करेंगे जब तक आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता। एटा में पुलिस की यातना से बलवीर की मौत 2 दिन पहले लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी। आज बलवीर का शव उसके गांव इसोली लाया गया था। पुलिस यातना से हुई मौत के बाद बलवीर के घर वालों में और आम लोगों में पुलिस के खिलाफ बेहद गुस्सा देखा गया। जब बलवीर का शव लाया गया तो लोग एकदम गुस्से में आ गए और पुलिस से जमकर नोकझोंक करने लगे। थोड़ी देर के बाद हंगामा बढ़ गया तो गुस्साए लोगों ने आगरा बरेली हाईवे जाम कर दिया और मांग करने लगे कि अवागढ़ थाने के प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए और जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक हम सबका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सर ये चाहते हैं कि देवेंद्र शंकर पांडे का 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए और हमारे बच्चे निर्दोष छूटने चाहिए और अंतिम संस्कार जो बलवीर के घर से है उसका पालन पोषण कैसे होगा। वो नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी गिरफ्तारी हो जाए, अंतिम संस्कार हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाए देवेंद्र शंकर पांडे की। तो आप जब तक पांडे जी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक संस्कार नहीं करेंगे? नहीं करेंगे सर। और क्या मांगे हैं? बस हमारी तो ये मांग है। क्या मांग? ये लड़के छूटा है तीनों और इनके बाली बच्चनों का पालन पोषण हो। जो मेन रोल था अध्यक्ष, क्या नाम है उसका? पांडे, 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 देवेंद्र पांडे, उनकी अध्यक्षता में पिटाई हुई लड़कों की। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? एसओ साहब अरेस्ट किए जाए, 302 का मुकदमा उनके ऊपर लगाया जाए और जो अन्य इस लड़के के 3 साथी उनको बरी किया जाए। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा बुझाकर हाईवे पर लगे जाम को खुलवा दिया और सबका अंतिम संस्कार करवाने के लिए राजी कर लिया। ANG न्यूज ब्यूरो, एटा, उत्तर प्रदेश।